तो मामा जैसे कोई किसान है बेचारे पास 10 किल्ला है या 1 किल्ला है, उसे कौन सी फसल करनी चाहिए जो उसकी पैदावार फसल बहुत ज्यादा पैसे कमा के दे? ऐसी कौन सी फसल है? कितनी जमीन वाले को? 10 किल्ला या 1 किल्ला है किसी भाई पे, या 2 किल्ले हैं, अच्छा तो उसको क्या फसल करनी चाहिए पैदावार अच्छी हो, मतलब अच्छी उसकी अर्निंग हो, पैसे कमावा बहुत अच्छे हो, जिससे उसका घर का गुजारा चला? 1-2 किल्ले वाले का, 1.5 किल्ले वाले का, कौन सी फसल करनी चाहिए? 1.5 किल्ले वाले ने चाहिए अपनी जमीन ठेके पे दो, अच्छा, और टिफिन ठाओ 10-12 हज़ार की नौकरी करो। 1.5 किल्ले वाला बंदा हाँ ठेके पे जमीन दे दो 1.5 किल्ला, और अपना टिफिन तैयार करो, किसी जॉब पे दस लग बारह जाओ, हजार की नौकरी करो, मतलब कुछ नहीं हो सकता जी? कोई कह रहे उसमें क्या मशरूम, होगा? कोई कह रहा मशरूम, कोई कह रहा एलोवेरा। उसके लिए पहले ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है अपने घर से। चलो जो घर से पैसा लग जाता है, एलोवेरा की खेती कर ली तो कुछ बनेगा जी इसमें, बन जाएगा, किसानों का फायदा है? हाँ हो जाएगा, 1.5 किल्ले वाले को हो जाएगा, पहले घर से पैसे लगाने पड़ेंगे हाँ, फिर कुछ होगा। मतलब पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ कितने टाइम में हो जाता है जी एलोवेरा? एलोवेरा हो जाएगा 6 महीने में तैयार। 6 महीने में एलोवेरा तैयार है? हाँ इसकी भी कुछ ऐसी है, मुंडा होता है जैसे एलोवेरा काट दिया, इसकी भी जड़ें फूट की कुछ ऐसा है, दोबारा उग जाता है काटने के बाद? फूट चलती है अपनी, आपके उधर होती है खेती इस चीज की? हमने देखी तो नहीं है पर फसल आया होगी। अच्छा जी, हाँ हमने तो ये गमलों में उसमें लगे हुए देखे हैं। गमलों में देखे जी, पर हमने सुना है, मतलब मेरी वाइफ भूमि का, तो वो मेरे से कह रही थी कि जो यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ पड़ी है ना, तुम्हारी जमीन है, इसमें एलोवेरा लगाओ तो बहुत ज्यादा कमाई है, ये विदेश तक जाता है। जो एलोवेरा है वो विदेश तक जाता है, बहुत दूर दूर तक, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चल रही है ये चीज, मतलब इसकी बनती है काफी क्रीम में, कॉस्मेटिक में यूज होता है जी, ये ठीक, बहुत चीजा बना इसकी। तो ये बताओ कौन से महीने में, कौन से साल में, कब करनी चाहिए इसकी खेती? बस इतना नहीं पता अपना, ये तो 12 मासी होता है गमले में, गमले में लगा लो एक बार जमीन, लगा दो तो बार बार कटाई होती है। सही बात है।